नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित सिहोरा थाना क्षेत्र की, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद रुमान से मिली जानकारी के अनुसार सिहोरा में एक स्कूली बस पलटने से क्षेत्र में भी अफरा तफरी मच गई। मामला थाना क्षेत्र के ग्राम तांडा का है, जहाँ बच्चों से भरी एक स्कूली बस अचानक पलट गयी। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल हो चुका था, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार दो दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ बच्चों को ज्यादा चोटें भी आई हैं। हालांकि बस पलटने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वहीं घायल हुए बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सर, ये जो ग्राम तांडा में बस पलटी है, ये कैसे पलटी है और इसमें कितने बच्चे घायल हुए हैं? सर, इसमें करीबन तो हाल फिलहाल तो सभी बच्चों को चोट है हल्की माड़ी, लेकिन 5-6 बच्चों के ज्यादा चोट है। अच्छा, तो सर ये बस कैसे पलटी है? सर, ये इसकी गोली जो है ना, हैंडल गोली जो पहले से फेल थी, तो इन्होंने जुगाड़बाजी तारवार बांध करके चला रखी थी जी, तो उसमें से निकल गई, जिस कारण ये बस पलटी है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।